हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करते हैं मैं अपनी चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। गर्मी का मौसम तो आ चुका है और अब तो इतनी जल्दी धूप आ जाते हैं ना कि एकदम कड़ाके की धूप आने लगती है, गर्मी बहुत लगने लगती है। तो अगर हम सुबह नहीं उठेंगे ना तो थोड़ा सा ताज़ी हवा शरीर में नहीं लगती है। तो गर्मी के मौसम में आओ हो जाता है ना कि सुबह जल्दी उठें ताकि हवा लगे शरीर में। और सुबह वाली जो हवा लगती है ना बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। ठंड के मौसम में तो भाई सुबह उठने का मन नहीं करता है, और कितना भी बजे उठो तो सुहाना ही मौसम लग रहता है। गर्मी के मौसम में उल्टा हो जाता है। दिन ठंड के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, दिन भर खाना अपना बना सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है, इतनी जल्दी धूप आ जाते हैं और इतना कड़ा धूप रहता है ना कि गर्मी भी लगता है। मतलब ठंड के मौसम में ठंड के वजह से काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी होने के कारण ही दिक्कत होती है। तो ये हो जाता है ना कि ठंड के मौसम में थोड़ा लेट से उठते हैं और लेट से काम होता है, लेकिन वही गर्मी के मौसम में ना सुबह बहुत जल्दी उठने से ना सारे काम भी निपट जाते हैं और सुबह के ताज़ी हवा का आनंद भी ले लेते हैं। तो ये हो जाता है। और साथ साथ अपने आप को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी है साथ में। और बच्चे के बदलाव भी हो जाता है, गर्मी के मौसम है तो भाई गर्मी का जो रूटीन है अलग हो जाता है, ठंड का रूटीन होता है जो अलग हो जाता है। देखिए धूप देखिए कितनी जल्दी आने लगी है, बहुत जल्दी आती है। वही ठंड के मौसम में धूप 7 बजे तक आएगी लगभग, मेरे आंगन में तो आती भी नहीं थी, अब तो पूरा आता है। तो चलिए मेरी साफ सफाई हमारी आंगन की, घर की, सब की हो जाती है। इसके बाद मैं दातुन करूँगी। आज नीम वाली जो हमने पेड़ लगाया है ना, बहुत थोड़ा सा बड़ी हो गई है, हल्का बड़ा हो गया है, उसी में से नीचे का मैंने तोड़ लिया है और एक दातुन, और आज दातुन ही करेंगे। मॉर्निंग टाइम में मैं हमेशा गर्म पानी ही पीती हूँ, चाहे ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो। तो कभी हम चाहते हैं तो उसमें नींबू भी डालकर पी लेते हैं, और कभी हम उसमें मेथी भी डालकर मैं पीती हूँ, उससे फ़ायदा करता है उसकी पानी पीने से। तो इसलिए सुबह सुबह तो भाई मैं ऐसे ही अपना रूटीन चालू करती हूँ और गर्म पानी से ही चालू होती है। इसके बाद एक्सरसाइज मेरी होती है, ठंड में तो हुआ नहीं था इसलिए थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन अब शुरू हमने कर दिया है एक्सरसाइज। और साथ साथ में अब मैं शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा योगा। शांत रहती हूँ आधे घंटे के लिए या फिर 15 मिनट के लिए, अपने लिए टाइम निकालें बहुत ज़रूरी है ये। तो आंखें मूंद कर हमेशा मन को शांत रख कर आधे घंटे कम से कम, या फिर हो सके तो 15 मिनट ही, या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 10 मिनट ही रहें। मन से सारे विचारों को हटा दें और शांति मन से शांत में बैठकर आराम से आप आंखें मूंद कर सब विचारों को हटाकर शांत मन करें। तो इससे ना बहुत ही ऊर्जा मन में आती है और शांति होता है, हमारा मन शांत होता है, जिससे कि हम हमारे मन में मन को विचलित नहीं होने देता है। दिन भर आपका मन शांत रहेगा, गुस्सा वगैरह नहीं आएगा, विचलित नहीं होगा मन, और शांति से अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, अब मैंने स्टार्टिंग किया है ये चीज़ भी, ताकि मन हमेशा शांत रहे और मन विचलित न रहे और शांति मन से हर कार्य करें, और जो भी हम कार्य करते हैं ना उसमें सफलता मिलती है। अगर शांति मन से हम सोचते हैं, शांति मन से कोई कार्य करते हैं तो वो बड़े ही अच्छे से कार्य होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी देख सकते हैं पटा रहे हैं खेत, और अभी मेरा साग भी आ गया है, उतना बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं हरे चने चढ़ा दिए हैं, थोड़ा इसे बाफेंगे हल्का।
यहाँ पर हमने हरे चने को हल्का बाफा है और इसके बाद हमने ये छिलके उतार दिए हैं। एक पोट हमने लहसुन लिया है और साथ में मैंने अदरक लिया है और साथ में मैंने थोड़ा सा गोलकी लिया है यानी कि काली मिर्च। सबको पिसाई करेंगे अच्छे से, मिक्सी में पीस लेते हैं और इसके बाद इसकी हम बनाने जा रहे हैं झोल, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। रात में ना सोने से पहले हम लोगों ने चने को छीला है दोनों मिलकर, तो चलिए इतना चने हमने छुड़ाए थे। और इसी की सब्जी भी बनाएंगे और आलू डालकर, और इसी की मैं झोल भी बनाने वाली हूँ आज। चलिए आपको देते हैं रेसिपी झोल की, बहुत ही अच्छा लगता है, इस सीजन में हो सके तो खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा पानी हम डालकर इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। पीसेंगे कहाँ से, लाइन ही नहीं है। सरों के सीधे से गुजरे थे, लाइनें कट ले, पीसे कैसे आ गए हमें, सब गिर डाले हैं हमने जोड़वा में। हाँ, इसमें सरसों नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा सरसों। लाइन कट रहा है, पता नहीं, बढ़िया लाइन कट रहा है। लाइन का करना होगा इंतजार। देखो कौन तो गिरा देखिए। कट ना जाए इससे पहले पीस लेते हैं। हल्का दरदरा रखेंगे इसको, ये देखिए हल्का दरदरा है, ज्यादा मिली नहीं करेंगे। लगे हाथ क्लीन कर लेते हैं मिक्सी जार को। तो मेरे रसोई रूम में मैं एक अपना मोबाइल का जो चार्जर लगा कर ही रखती हूँ, कभी भी चार्ज ख़त्म हो जाता ना तो लगाना होता है, तो चार्ज हमेशा मेरी इस रूम में देखेंगे क्योंकि अधिकतर मेरा समय जो कटता है रसोई रूम में ही कटता है, खाने देने की तैयारी करना, जब तीन टाइम हमारा यहीं पर कटता है। तो चलिए झोल की रेसिपी देते हैं। तेल हमने डाल दिया है थोड़ा सा, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, बहुत तिलहन खा चुके हैं और तिलहन खाने से ना मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारी का घर भी है ये। तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सारे चीज़ें ज़्यादा अगर हम खाएंगे ना तो ये बीमारी का घर ही समझिए। मोटापा बढ़ गया तो आपको कोई भी बीमारी तो लग ही जाता है, तो फिट रहने के लिए हमें एक्सरसाइज और सिंपल खाना ही सेहत के लिए सही है, हमारे शरीर के लिए सही है, बच्चों के लिए सही है। हफ्ते में एक बार खाइए, लेकिन हमेशा आप सादी खाना ही पसंद कीजिए और खाइए। तो चलिए यहाँ पर कढ़ी झोर की रेसिपी मैं बता रही हूँ। प्याज, जीरा और हरी मिर्च से मैंने छौंक लगाया है और साथ में इसमें मैंने करी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, शायद मैंने नहीं डाला है करी पत्ता, तो इसमें करी पत्ता भी आप डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सारे मसाले मैं डाल दूँगी, हल्दी और हल्की धनिया हमने डाला है, मसाले भी कम हम इसमें कम पड़ता है थोड़ा, और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। और बस दरदरा हमने पीसा ही था और इसे अच्छे से चला लेंगे, हल्का दो मिनट के लिए अच्छे से हमें इसे चला लेना है और इसके बाद ही हमें पानी डालकर और खौलाकर 10 मिनट खौलाइए धीमी आंच पर, इसके बाद उतार दीजिए। बस बहुत ही आसान इसका झोर है। थोड़ा सा क्लिप मेरा लगता है ना कि कट गया है या फिर आप मिल ही नहीं रहा था तो छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का खाना तैयार है, दोपहर का चावल
और साथ में ये देखिए झोर हो गया, हरे चने की झोर। और इधर ना हरे चने आ रहे हैं बाज़ार में, तो सोचा कि हरे चने की झोर, बचका, ये सारे चीज़ खा लिया कीजिए, भवरा। तो हम लोगों ने बहुत हरे चने का उपयोग इधर किया है, खाया है, और हरे चने का सब्ज़ी भी बना दिया है। आलू, आलू को हमने छीला नहीं है, आलू और चने की सब्ज़ी बना दिया है, और उसी चने, उसी हरे चने का मैंने झोर भी बना दिया है। अब आप लोगों से मैं रात के डिनर के बाद मिल रही हूँ। साफ सफाई चल रही है किचन की, थोड़ा ग्रीनर वगैरह सभी का हो चुका है, और खाने के बाद साफ सफाई यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गंदी लग रहे थे, बर्तन धो रही थी तो मुझे ये टोकरियाँ भी गंदी लग रही थी, तो इसे भी मैंने साफ़ करके रख दिया है सारे टोकरियों को, और बर्तन भी मैंने मांज कर रख दिया है, और साथ में क्लीन मैं रसोई रूम को अच्छे से कर दूंगी। रात के टाइम में जब भी सोएं तो क्लीन करने के बाद ही सोएं। तो रात के टाइम में ये भी हो जाता है कि साफ़ सुथरे हो जाने के बाद आपको सुबह में एक फुल एनर्जी से आप काम कर सकते हैं। जूठे बर्तन अगर आपको मिल जाए सुबह ना, तो फिर मन नहीं लगेगा, लगेगा एकदम एनर्जी लो हो गया है जैसे लगने लगेगा अगर सुबह में आप जूठे बर्तन देख लेंगे तो। और वही आकर दरवाज़ा खोलेंगे आप और देखेंगे साफ़ सुथरा रसोई रूम सभी मांजा हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इससे रसोई रूम से छुट्टी मिलती है थोड़ा सुबह में, तो हमारे लिए टाइम भी निकल जाता है एक्सरसाइज वगैरह करने के, योग करने के लिए। तो ये चीज़ कीजिएगा ज़रूर, हर महिलाओं को रात में बर्तन और सुबह योगा एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ छूट गई, पूजा ज़रूर कीजिए, कम से कम एक दीपक जलाइए घर में सुबह मॉर्निंग के टाइम ज़रूर। इससे है ना आपके सारे कार्य बनते रहेंगे, बिगड़ेंगे कुछ भी नहीं, आप भी स्वस्थ रहिएगा, जीवन खुशहाल रहेगा।